प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने पीसीसी से बोर्ड ऑफिस तक मशाल रैली निकाली। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पूरे प्रदेश से महिलाएं यहां आई हुई हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि इस रैली के जरिए प्रदेश की सरकार को एक चेतावनी दी गई है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं और शासन प्रशासन चुप बैठा है, पुलिस असंवेदनशील हो गई है। मुख्यमंत्री बेटी बेटी बोलते हैं, बेटी बचाओ करते नहीं है। जमीन पे पूरी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कृत्य हो रहे हैं। आज इसलिए मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा मशाल रैली देके उनको चेतावनी दी गई है। यदि वो बच्चियों की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उनकी अस्मिता नहीं बचा सकते हैं, तो वो अपनी गद्दी छोड़ दें। आज पूरी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने कहा है कि यदि वो महिलाओं की बच्चों की और पूरे प्रदेश में और पुलिस जो लोग हैं पूरे असंवेदनशील हो गई है, महिलाओं ने आज उनको मशाल जला के ताकीद दी है कि यदि अभी आप सुधर जाएं नहीं तो ये मशालें मुख्यमंत्री के घर तक जाएंगी। और आज सब महिला कांग्रेस ने गृह मंत्री से बंदूक के लाइसेंस की भी मांग की है। रैली में महिला कार्यकर्ता रानी दुर्गावती लक्ष्मीबाई के भेष में हाथों में तलवार लेकर उतरी। भारी बारिश के बाद भी महिला कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और लक्ष्मण सिंह सहित प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, ईएमएस टीवी न्यूज भोपाल।